हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में बात करेंगे दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड के स्टॉक की, जिसमें फिर आज लोअर सर्किट लग चुका है। ये स्टॉक 4.82% की गिरावट के साथ 18.75 की प्राइस पे क्लोज तो नहीं हुआ है, अभी इसकी ट्रेडिंग चल रही है 12.9 PM पे। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल भी देखेंगे कि कहाँ तक इस स्टॉक में आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है, क्या रैली होगी जहाँ इस स्टॉक में गिरावट होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने। सबसे पहले नए आए हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे भी आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले इसके चार्ट की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज़ में देखो, पहले इसमें सारा कुछ ठीक चल रहा था, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे थे, लेकिन आज इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो 19.70 के अराउंड इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है। 5 डेज़ में ओवरऑल नियरली 9.65% की रैली हो चुकी है, लेकिन 1 मंथ का चार्ट देखोगे नियरली 12% के अराउंड गिरावट है। पहले इसमें अच्छी रैली हो रही थी, अपर सर्कल लग रहे थे, फिर इसमें लोअर सर्कल लगने शुरू हो गए, फिर इसमें लोअर सपोर्ट बना के अच्छा रिवर्सल भी शो किया, लेकिन अब फिर ये स्टॉक नीचे गिरना चालू हो चुका है। तो इसका जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है 27 के अराउंड है, इसका जो लोअर रेजिस्टेंस लेवल है वो 19 के अराउंड है। तो दो इसके रेजिस्टेंस लेवल है, पहला 19.75 का है, दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 27 के अराउंड बनता दिखाई दे रहा है। जबकि सपोर्ट देखें तो सपोर्ट इसका 16 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक ने इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट बनाया है। अब नियर टर्म के सपोर्ट इसके नोट कर लो, 16.30 का इसका जो है लोअर सपोर्ट लेवल है, जबकि जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 20 के अराउंड ही बनता दिखाई दे रहा है। तो ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। आने वाले दिनों में इन दोनों लेवल्स पे आपको फोकस करने की जरूरत है। यदि रैली होती है तो 20 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल इस स्टॉक में रह सकता है, क्योंकि यदि ये स्टॉक 20 का लेवल ब्रेक कर लेता है तो फिर इस स्टॉक में 27 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म ओनली। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में यदि हम चेक करें, 6 मंथ का डाटा चेक करें, 92% की रैली हो चुकी है। यदि लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें तो ये स्टॉक के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल कर आ रहा है, लेकिन अपना हाईएस्ट लेवल टच करने के बाद इस स्टॉक में अब कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है इन द लास्ट 1 मंथ। तो कंपनी का मार्केट कैप देख लो, 90 करोड़ के अराउंड इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये जो कंपनी है डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। तो आइए इसके कुछ लेटेस्ट और ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के डायमंड ज्वेलरी बनाने का काम करती है। इसके कुछ फाइनेंशियल जानने की कोशिश करते हैं। 200 दिसंबर में कंपनी के नंबर्स मिक्स टाइप देखने को मिल रहे हैं। पहले रेवेन्यू का डाटा देख लो तो दिसंबर 21 के कंपेरेटिवली दिसंबर 22 में इसका रेवेन्यू जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिसंबर 22 का डाटा यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी की जो रेवेन्यू में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस एंड ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बड़ा जंप इसके रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट का डाटा बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, और लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। दिसंबर 21 में नियरली नील था इसका जो प्रॉफिट है, 0.01 है, करोड़ में है ये। उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया है, और यहाँ पर देख सकते हो इसका प्रॉफिट जो है वो दिसंबर 22 में मैक्सिमम हो गया है ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप कंपनी का 85 करोड़ का है, तो अच्छी कंपनी है। यदि शेयर होल्डिंग देख लें तो रिटेलर के पास मैक्सिमम स्टेक है, 92.92% का स्टेक रिटेलर का है इन द दिसंबर 22। यहाँ पे देखो ये सारा गेम क्या चल रहा है दोस्तों, दिसंबर 21 में क्या था, रिटेलर के पास 56.40% का स्टेक था, और प्रमोटर के पास क्या था, नियरली 43.60% का स्टेक था। लेकिन एक साल के बाद क्या हो गया, प्रमोटर ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, सारा माच जो माल था बेच के अब रिटेलर के पास चला गया। तो यही कहते हैं समझदारी। जब दोस्तों कोई भी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे चला जाता है तो प्रमोटर FIIs DIIs वो माल बेचते हैं, तो क्रेता कौन है, रिटेलर, छोटा इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप एक हायर वैल्यूएशन पे इंटर कर चुके हो, क्योंकि 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस देख लो, ये स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो 1462% की रैली शो कर रही है ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। तो इतनी बड़ी रैली होने के बाद क्लियरली ये स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में जाता दिखाई दे रहा है, ऑल्दो नंबर ग्रो हो रहे हैं,
प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक क्लियरली ओवरबॉट जोन में है और इवन जो प्रमोटर हैं वो भी अपना माल बेच रहे हैं। दोस्तों क्या होता है जब कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में जाता है, जो प्रमोटर्स होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आज स्टॉक की प्राइस आई है कल को नीचे आएगी, तो वो क्या करते हैं हाई लेवल पे बेच के नीचे लो लेवल पे एंट्री करते हैं, तो हायर लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट पार्शली, क्योंकि सारा तो नहीं कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक कर लो। यदि कोई भी स्टॉक आपको एक साल में 2000% रिटर्न दे रहा है तो कुछ तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, प्रमोटर ऐसा करते हैं। सिमिलरली DIIs और FIIs बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाते हैं, बहुत ही सही वैल्यूएशन पे पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रमोटर का स्टेक जो है वो रिड्यूस होता दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। इसलिए हमने आपको जो लेवल्स बताए हैं सपोर्ट लेवल, इसका आप जो सपोर्ट लेवल है 16.30 के अराउंड बनता दिखाई दे रहा है, आपको आने वाले दिनों में इस लेवल पे फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।